माय प्रिपरेशंस भल से चालू थिबो आमे करिबा ओएसएससी जे 2023 मेंस टेक्निकल क्वेश्चन सीरीज एंड सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स। ये जो सब्जेक्ट अछि फ्लूइड मैकेनिक्स वेरी इंपोर्टेंट पेपर, वेरी कांसेप्चुअल पेपर, बहुत कांसेप्ट गुडा का आइरे रहूची फ्लूइड मैकेनिक्स रे। तो पेपर टा को बुझिले ही क्वेश्चन सॉल्व करी हेबो आइरे न्यूमेरिकल गुडा को जदि आसुची। ओके से पई टिके क्रैश कोर्स होलिया किछ बेसिक इंपोर्टेंट फार्मूला, बेसिक इंपोर्टेंट थ्योरी गुडा को देखिबा, तापरे क्वेश्चंस गुडा को करिबा। ओके भल लागिबो, मजा लागिबो, आपन को भी भल लागिबो। सब्जेक्ट को जीवा। अच्छा टेस्ट सीरीज जदि जॉइन करी नांती तो करी नियंतु, दिस इज बेस्ट। सब क्वेश्चन सब एग्जाम रो तायरे अवेलेबल मु करै दै छी आपन मन पर समस्त पाए। आराम रे बसंतु, क्वेश्चन अटेम्प्ट करंतु। कोन पाए बोले क्वेश्चन सीधा सीधा कॉपी आ गाउछ। ओके टेस्ट सीरीज आपन मन समस्त पाखे थिवो, बही एमसीक्यू बुक जाको ए सब किनिबा दरकार नै। सब जेतकी एमसीक्यू बुक आपन भाभी पारिबे सब बुक रो क्वेश्चन से बही से टेस्ट सीरीज रे अछि। ओके आ डिफरेंट एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज रे अछि। क्लियर, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हाँ, कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो टेस्ट सीरीज। देखंतु विस्कोसिटी गुटे टर्म बुझंतु, विस्कोसिटी ऊपर लास्ट एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसीतला। व्हाट इज विस्कोसिटी? जेमते फ्रिक्शन रहुनी कि सॉलिड सॉलिड पार्टिकल भीतर से फ्रिक्शन टाइप रा किसी गुटे जिंस विस्कोसिटी। फ्रिक्शन कौन करूची? को गुटे व्हीकल टा मूव करूची, नले को गुटे सॉलिड ऑब्जेक्ट टा मूव करूची, को गुटे सरफेस ऊपर तो अपोजिट डायरेक्शन रे गुटे फोर्स लागूची ताको आका में कहूची फ्रिक्शन। से टाइप फ्लूइड रे विस्कोसिटी। ओके देखंतु फ्लूइड रो फ्लो जो आमे एठी कंसीडर करिया तो फ्लूइड फ्लो होतबो, ये सब जिंस कंसीडर करिया तो फ्लूइड रो केमती फ्लो टा होउची। भावंतु ये गुटे मास ऑफ फ्लूइड, इडा गुटे मास ऑफ फ्लूइड, इमेजिन इडा गुटे मास ऑफ फ्लूइड। तो ये मास ऑफ फ्लूइड को ना आपण लेयर रे डिवाइड करंतु। लेट्स सपोज दिस इज ए लेयर ऑफ थिकनेस टी, दिस इज ए लेयर, अनदर लेयर ऑफ थिकनेस टी, दिस इज अनदर लेयर ऑफ थिकनेस टी, अनदर लेयर, अनदर लेयर, माने ओवरऑल मास ऑफ फ्लूइड को आमे लेयर रे डिवाइड करि देलु। एबे आर फ्लो जदि मते देखेबार अछि तो देखंतु ये जो फ्लूइड फ्लो होइ होउथिबो को गुटे सरफेस ऊपर होउथु, बुझी चालंतु को गुटे सरफेस ऊपर होउथिबो। जेमति कि मो फोन अछि, भावंतु फोन ऊपर पानी वाटर माने फ्लो होउछि ना, आउ को सरफेस ऊपर फ्लो होउछि तो ये सरफेस तो स्टैटिक पोजीशन रे अछि, ये सरफेस तो मूव करि चालनि। एबे इमेजिन करो कि ये सरफेस स्टैटिक पोजीशन रे अछि आ ऊपर फ्लो फ्लो टा हेबो, वाटर फ्लो होउछि तो से वाटर पार्टिकल और दैट फ्लूइड पार्टिकल विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सरफेस, जो एक्जाक्टली सरफेस रे कांटेक्ट रे अछि, तार जदि आमे वेलोसिटी देखिबा, रिलेटिव वेलोसिटी, हमको लागिव से पार्टिकल फ्लो होउनी, से पार्टिकल ता जगह रे अछि आउर तार वेलोसिटी बेसिकली कोन आसे? जीरो। ओके तार वेलोसिटी जीरो आसे। ता ऊपर लेयर माने ये जो लोअर मोस्ट लेयर थिवो, ये लेयर ऑफ फ्लूइड जो कि डायरेक्टली सरफेस कांटेक्ट रे अछि, आरो वेलोसिटी पागपागी जीरो, माने ये फ्लो होउनी। आ टिक्के ऊपर जिबे जो पार्टिकल से टिक्के मूव करी थिवो, से एठी मूव करी छि, आ ऊपर को जिबे से आउट टिक्के मूव करी थिवो, आ ऊपर को जिबे से आउट टिक्के मूव करी थिवो, आ ऊपर जिबे से आउट टिक्के मूव करी थिवो, माने जेमती जेमती आपण से सरफेस रु, इडा गुडे सरफेस, ओके इडा गुडे सरफेस, जेमती जेमती आपण से सरफेस रु ऊपर को जाउ थिबे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अछि, ओके जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अछि ऑफ डिफरेंट लेयर, आर वेलोसिटी पाखा पाखी v1 इक्वल टू 0, आर वेलोसिटी v2, आर वेलोसिटी v3, आर वेलोसिटी v4 ये लेयर, आर वेलोसिटी v5 ये लेयर, आर वेलोसिटी v6, आर वेलोसिटी v7 एमती। ओके तो वेलोसिटी का चेंज ही चालू थुआ आ जो फ्लो प्रोफाइल ता भारी हो, एक्चुअल फ्लो प्रोफाइल एमती किछि आपण पाई जिवे। तो देखंतु एठी जो वेलोसिटी ता चेंज ही चालू छि, डिफरेंस आछु छि, माने जो एबे से लेयर भितरे भावंतु, मतलब से फ्लूइड रो लेयर, इडा गुटे लेयर, इडा गुटे लेयर, तो ये लेयर जते बड़े सेकंड फर्स्ट, ये फर्स्ट लेयर भाबो तो इटा सेकंड लेयर, जते बड़े फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ऊपर स्लाइड करला बड़े लागु छी ना, तो आंका दुईटा मझे रे गुटे ये जो मोशन को, ये जो मोशन हेबार अछि आंको अपोज करिया पे गुटे प्रॉपर्टी लागिवो, से प्रॉपर्टी का काम कहू छु विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ताको हमें रिप्रेजेंट करू छु एज ए म्यू, बेसिकली डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, बुझी गेले कि? आ ऊपर बेस्ट गुटे लॉ अछि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सीधा हमें देखिबा। तो ये टाइप जो होउछि ना, एटा ये जिंसटा, ये डायग्राम जो बनेली आको हमें कहियो फ्लो प्रोफाइल, फ्लो प्रोफाइल। एक्चुअली ओडिया एक्सप्लेनेशंस रे टिके मते डिफिकल्ट होउछि, ओके बट हेले भी मु ट्राई करूछि कि ओडिया रे भलो करी मु कनेक्ट करी आपनकु कांसेप्ट एक्सप्लेन करिवि बोल। ओके तो यहाँ हूँ फ्लो प्रोफाइल, मन रखी थे फ्लो प्रोफाइल, वेरी इंपोर्टेंट डायग्राम। ओके
तो आउरी फ्लूड रो फ्लो केमती होउची एठी जेमती मु लेयर रे फ्लूड को डिवाइड करी तो आपण भाबीबे कि गोटे लेयर अलगा लेयर ऊपर स्लाइड करूची स्लाइड करी करी एमती फ्लो होउची एमती इमेजिन करी ये टाइप फ्लूड फ्लो को कंसीडर करी सब एनालिसिस करा हिची फर्दर फ्लूड मेकानिक्स भितरे इज इट क्लियर टू यू ऑल नेक्स्ट एबे देखंतु फोन आसी जाईथिला ओके तो दिस इज योर फ्लो प्रोफाइल आउ आपण भाबिबे कि लेयर रे गोटे लेयर अलगा लेयर ऊपर स्लाइड करी एमती फ्लोटा हेई चालुची ये जिंस आका कंसीडर करी पूरा फ्लूड मेकानिक्स एक्सप्लेन करा जाईछ नेक्स्ट कौन बुझौतली हौ सीटा पुता पूर्वरु ये आपण डेफिनेशन ता देखंतु टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर माने कौन ये आगो को जीवा को चाहू माने भावंतु एडा गोटे फ्लूड लेयर ओके एडा गोटे फ्लूड लेयर तो आपण एठी मु वेलोसिटी जो कहली वी वन वी टू वी थ्री तो आपण एटा जानुछंथि ना कि वी वन वेलोसिटी कम अछि वी टू वेलोसिटी टिके बेसी अछि वी थ्री वेलोसिटी टिके तातु बेसी अछि एमती ये सिस्टम चालुछि तो देखंथु ये तळ लेयर ता ये ऊपर लेयर ता तो जो डाउन लेयर अछि से तार वेलोसिटी ऑलरेडी टिके कम अछि तो एबे भावंथु कि ऊपर लेयर टिके स्पीड आसुछि तो ये तळ लेयर कोन करिवो से कहियो अरे भाई मु तो स्लो रे चलुची तू कुआडे स्पीड रे पढ़ुचु एमती कह मैं बुझे आपे कौचे ओके तू तू कुआडे स्पीड रे पढ़ुचु भाई ताकु धरिवार माने तार मोशन ताकु रेजिस्ट करिवार ट्राई करियो से रेजिस्टेंस टा जो अप्लाई करुचे ना ताकु आका हमें विस्कोसिटी बोली कौचु दैट इज ओनली आवर विस्कोसिटी इज इट क्लियर तो ये टाइप माने ये दुईटा लेयर मजे आ ऊपर लेयर सेमती ये टिके आउट स्पीड रे आसला तो ये आर आर वेलोसिटी के कमई देला ता तड़ लेयर तो ये एबे ता ऊपर लेयर वेलोसिटी कमई बार चेष्टा करिवो ओके किछि तो किछि कमईबो तो एमती धीरे 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 ये इफेक्ट आबी धीरे 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 कम हो जाउची ता परे जो नेचुरल फ्लो अछि नेचुरल फ्लो वेलोसिटी ओके जो नेचुरल फ्लो वेलोसिटी अछि से वेलोसिटी गुटे हाइट परे से अटेन करि नउची ओके दैट इज योर लेट्स सपोज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज v तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो v एटेन करी नबो सबुटु टॉप रे जो फ्लो पार्टिकल्स थी माने फ्लूड पार्टिकल्स थी से तार नेचुरल वेलोसिटी वी वेलोसिटी जो वेलोसिटी रु से फ्लूड आसुतला से वेलोसिटी एटेन करी नला माने विस्कोसिटी इफेक्ट गुटे मिनट जेमती जेमती आपण ऊपर को जीवे विस्कोसिटी इफेक्ट भी रिड्यूस होई चलछ विस्कोसिटी इफेक्ट इज डिक्रीजिंग एमती आप हमें कहि परिबा ओके विस्कोसिटी इफेक्ट ता डिक्रीज होई चालू छी से पई वेलोसिटी जो अच्छी फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाऊँगी ओके आउ से सरफेस ऊपरे एक्जैक्टली से सरफेस ऊपरे कौन से सरफेस टा स्टैटिक कंडीशन रे अच्छी तार किसी मूवमेंट नहीं से पाई जेमती ही फर्स्ट फ्लूड पार्टिकल से सरफेस रो कांटेक्ट राइला ये सरफेस ताकु धरी दउची सरफेस कहउची अरे भाई मु तो मो जगह रे अच्छी तू कुआडे पड़ौछु मो पाखरे रही था से पाई हमें इटा इमेजिन करिवा कि जो लोअर मोस्ट फ्लूड पार्टिकल अच्छी जो लोअर मोस्ट फ्लूड पार्टिकल तारो वेलोसिटी ये वेलोसिटी हमें रिलेटिव वेलोसिटी कथा होचो एठी ओके वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेयर रिलेटिव वेलोसिटी तारो वेलोसिटी माने रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो तो ये जो कंडीशन टा होची जा जुगु हमको लागू छी ये सरफेस तारो पोजीशन रे अछि आ गुटे गुटे माने गुटे फ्लो टा आसीला जेंती से फ्लो सरफेस ऊपर जीवो तो जो लोअर फ्लो पार्टिकल्स थिला तारो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाउछ तो ये जो कंडीशन टा अच्छी आपको हमें कहूँ नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन माने से फ्लूड पार्टिकल को से सरफेस ऊपर स्लिप हवा को दौनी नो स्लिप यू विल नॉट गो फ्रॉम हियर नो स्लिप कंडीशन इज इट क्लियर ओके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन ओडिया मैक्सिमम ओके यदि को जगह भी बुझी पारे नहीं कहे आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ओके वेल सो टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर such fundamental property of fluid is called as viscosity it is measure of resistance of fluid to deformation ye gut layer a upre gut layer slide hala mane ida kon ye layer ta ethi achi ye layer ta ethi pahunchila to r ida top mane bhavantu r ida starting position r ida starting position to gute deformation hole laguchi na so ye deformation ko aka to resist karuchi ye viscosity ta तो इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूड टू डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी बेसिक काउज ऑफ विस्कोसिटी कौन कोहेजन विस्कोसिटी कौन पैसे फ्लूड भितर ड्यू टू कोहेजन पचारे एग्जाम रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पचारु छंती व्हाट इज बेसिक काउज ऑफ विस्कोसिटी द बेसिक काउज ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेजन
इज इट क्लियर मन रखी थी तो एबे गुटे जदि मु फ्लो टा कंसीडर करबी ओके को गुटे सरफेस उपरे फ्लो हे चालुतला तो एमती आपण किछि फ्लो प्रोफाइल टा देखि परिबे ठीक अछि एमती किछि फ्लो प्रोफाइल देखि परिबे लेट्स सपोज फ्रॉम बेस आई एम टेकिंग सम डिस्टेंस y1 एटा आ ता उपरे आ गुटे dy डिस्टेंस आमे कंसीडर करिबा तो मु गुटे डायग्राम जदि बनेबी आपण देखंतु ये एट y1 डिस्टेंस लेट्स सपोज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज u तो एठी वेलोसिटी ऑफ फ्लो u देखि देलु आ उपरे आपण जति dy डिस्टेंस हो जिवे तो वेलोसिटी टिक्के बढ़ी थी से फ्लो लेयर रो बढ़ी छी ऑब्वियसली से वेलोसिटी केते u प्लस dy हे थिवो u प्लस dy हे थिवो एबे देखंतु एबे एमती एमती बुझंतु कि इडा गुटे स्टार्टिंग पोजीशन बोली भावंतु इडा गुटे स्टार्टिंग पोजीशन ओके तो स्टार्टिंग पोजीशन एबे आउर एमती भावंतु कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ इटा फर्स्ट लेयर इटा सेकंड लेयर ऑफ फ्लूइड एम्प्टी एम्प्टी भावन तो फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड रो फ्लूइड पार्टिकल रे जो वेलोसिटी अछि कोन यू तो विथ वेलोसिटी यू से एथिरु एतिकि डिस्टेंस कवर करिला ओके तो एथिरु एतिकि डिस्टेंस कवर करिया पे से टाइम केते नै छि सेम डीटी टाइम नै छि लेट्स सपोज द टाइम टेकन इज टी एम्प्टी भावन तो डीटी नै टी टाइम रे फर्स्ट लेयर रे जो फ्लूइड पार्टिकल अछि विथ वेलोसिटी यू ये स्टार्टिंग रो ये जगह को पहुंचिया पई माने टी टाइम नेला सेकंड लेयर रे जो फ्लूइड पार्टिकल अछि तारो वेलोसिटी तो बेसी ना फर्स्ट लेयर रो केते बेसी डीयू बेसी केते बेसी डीयू बेसी तो एबे कोन हेबो से सेम टाइम टी रे विद दैट हाई वेलोसिटी ये जगह रो ये जगह को पहुंचु छि बुझी गले कि तो माने ये जो टाइम नौ छी ना से टाइम टा सेम नौ छी केते मुझे एमते थी टी बतेली तो एठी हमें डिफरेंशियल टाइम लिखिवा डीटी ओके माने हमें एमती कहिवा कि आउटे डायग्राम बनौ छी देखंतु कि विथ यू वेलोसिटी से एते डिस्टेंस कवर करिला केते वेलोसिटी यू इनटू डीटी एतकी डिस्टेंस तापरे एतकी डिस्टेंस कवर करिला विथ यू प्लस डी यू वेलोसिटी इन डीटी टाइम ठीक अछि तो जदि ये डायग्राम को आउथर टिके रिफाइन करिवा तो आमे एमटी शो करि परिवा कि देखंतु एटा होची यू यू डीटी हे जइबो एठु एठी एटा भी यू डीटी तापर एटा कोन हेबो एठु एतकी डी यू डीटी ठीक अछि तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करूं तो ये पॉइंट कनेक्ट करियो उटे स्ट्रेट लाइन एमती आपण पाइबे ठीक अछि एठी गुटे एंगल पाइबे आपण थीटा ये ट्रायंगल होले पाइले एठी गुटे एंगल पाइले आपण थीटा और ये स्पेस ता ये डिस्टेंस ता केते ये डिस्टेंस थिला dy ठीक अछि ये गैप ता केते नै थिलो हमें dy और इटा केते आपण पाइले du * dt और ये एंगल ता केते थीटा ये जो थीटा एंगल अछि ना ये थीटा एंगल को आका में कहियो शियर स्ट्रेन दिस इज ओनली शियर स्ट्रेन ओके तो जदि मु tan थीटा लिखिबे ये ट्रायंगल पाए tan थीटा इक्वल टू p / b तो एठी p कोन परपेंडिकुलर हे जाउ छी du / dt बेस टा कोन dy ओके तो इटा हे गेला इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मो कहू छी इटा हे गेला इक्वेशन शियर स्ट्रेन रो एबे एठी लॉजिक आमे ये सब पीडीएफ आपन को अवेलेबल हे जीवो एबे आमे एठी लॉजिक लगु छु कोन फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा दिस tan थीटा बिकम्स इक्वल टू d थीटा फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा बिकम्स इक्वल टू d थीटा माने tan थीटा को आमे लिखि देबा एज ए d थीटा जदी tan थीटा को d थीटा लिखि देबा फॉर थीटा स्मॉल ओके तो कोन हे जीवो d थीटा बाय dt इक्वल टू du बाय dy वी कैन राइट लाइक दिस तो ये जो जिनसोट गुटे मिनट भाई d थीटा बाय dt इक्वल टू du बाय dy ये जो रिलेशन टा आसीला इटा का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली ओके ये रिलेशनशिप कोन कहू छी ये d थीटा बाय dt कोन थीटा माने कोन शियर स्ट्रेन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू rate of change of velocity with respect to depth
थीटा का ना, ओके व्हाट इज दिस डी थीटा बाय डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन एंड डी यू बाय डी वाई इट इज नथिंग बट आपको हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कहवा ओके चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ आपको हमें कौन कहवा वेलोसिटी ग्रेडियंट अब आपको हमें केमती कैलकुलेट करवा डी यू बाय डी वाई माने यू टू माइनस यू वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन बाई एमती इक्वल टू डी यू बाई डी वाई बहुत इक्वेशन बहुत क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये फर्मूला उपरे सॉल्व होउची ओके मुझे करेबी आपको से ये डेरिवेशन भी मुझे एक्चुअली आपको बतेली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वेरी इंपोर्टेंट वेरी बेसिक डेरिवेशन एबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रो स्टेटमेंट कौन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहूँ शियर स्ट्रेस इन फ्लूइड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इटा का सोम रे जदि आपण देखिबे तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन एटी फ्लूइड रे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये डिफरेंस टा मन रखि दिबे ओके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन माने कोन टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अबे लिखि दिलु आपण आमे डी थीटा बाय डीटी आउ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करिया पय गोटे पैरामीटर डीटी इंक्लूड करा जाउची जको आमे कहउछु म्यू डी थीटा बाय डीटी आउ टिके पूर्वरु आमे लिखि दिलु डी थीटा बाय डीटी को एज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाय डी वाई तो टाउ इक्वल टू म्यू डी वाई डी यू अपॉन डी वाई और टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डीटी दिस आर द रिलेशनशिप ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आउ एठी जो म्यू होउची आकु आमे कहउछु डायनामिक विस्कोसिटी कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आर यूनिट आपण जते काढिबे ओके म्यू वैल्यू जदि आपण को काढिवार अछि कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी तो ये इक्वेशन को यूज करी म्यू केमती काढिबा टाउ इनटू डीवाई डिवाइडेड बाय डीयू इक्वल टू म्यू टाउ कौन शियर स्ट्रेस माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये टाइप यूनिट वाई कौन लेंथ डायमेंशन हाइट ना डायमेंशन रा यूनिट माने मीटर एमती किसी यूनिट थी यूटा कौन वेलोसिटी माने मीटर पर सेकेंड एमती किसी यूनिट थी से सब यूनिट को सिंप्लीफाई करिला परे आपन को फाइनली कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी रो यूनिट आपन माने पाई जिवे ओके तो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू यू माने मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर एमती किसी आपण पाइबे तो फाइनली व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन पास्कल सेकेंड तो दिस इज यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड ओके आकु जदि एमकेएस सिस्टम रे आमे कन्वर्ट करिवा ओके तो केजी मीटर सेकेंड एमती किछ आपण यूनिट पाइबे जदि सीजीएस सिस्टम रे सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सिस्टम रे कन्वर्ट करिवा देन यू विल गेट एज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ठीक अछि ये जो यूनिट होउछि ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड आकु आमे कहउछु पॉइज तो पॉइज इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ओनली ठीक अछि आउ ताकु कोन सीजीएस सिस्टम रे ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर सेकेंड दिस इज योर पॉइज ओके नाउ वन पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड ओके वन पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड ये जिनसा मन रखिथे ये रिलेशनशिप टा माने 0.1 माने कौन वन पॉइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड ओके तो वन पॉइज इज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड आउ गोटे जिनस गोटे रिलेशनशिप डायनामिक कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर ओके पाखापाखी आप देखिए कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी फॉर एयर ठीक अच्छे तो लिक्विड रो जनरली डायनामिक विस्कोसिटी बेसी थाए गैसेस रो ये लॉजिक एठू पाइलु तापरे काइनामेटिक विस्कोसिटी आकु आमे न्यू देखंतु म्यू गोटे मिनट आकु आमे रिप्रेजेंट करूछु म्यू
आपको न्यू म्यू न्यू म्यू न्यू ओके। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज व्हाट, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूड। जो भी फ्लूड आपण डायनामिक विस्कोसिटी देखी छंती, दैट इज दैट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूड, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूड विल गिव यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक अछि। अब ये क्वेश्चन ता आसी थिला एग्जाम रे लास्ट टाइम कि आपण को कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी दिया हिची, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हिची फॉर ए फ्लूड, आउ कैलकुलेट करिया पे कहू छी तारो डेंसिटी कौन करिया थला, बस दुईटा को डिवाइड करि थान तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड भारी जाई थान त एठे डेंसिटी अछि ना, तो माने आकु आमे लिखिबा भाई रो ओके, दिस इज योर इक्वेशन। तो आर यूनिट कौन है जीवा, आर यूनिट है जीवा एसआई रे जदी देखिबा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एक्सेलरेशन रो जिंति होची ना से टाइप अगर ठीक है यूनिट अछि यार, एक्सेलरेशन रो कोन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होची, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी रो यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आर जो स्मॉल यूनिट आमे देखिबा ताको आमे कहू छी स्टोक, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज योर आकु आमे कहिबा स्टोक। तो दुईटा यूनिट आमे बतेलु आपन को कोन गुटे पॉइज दैट इज यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, आ गुटे यूनिट स्टोक व्हिच इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ओके। तो एठी कन्वर्जन जदि करिवे तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू व्हाट 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी उल्टा है ना, 1 माने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस टाइप रिलेशनशिप भारी जीव जत बड़ा आपण इंटरचेंज करिवे माने कन्वर्जन करिवे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर माने गैसेस आर जनरली मोर देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक अछि। तो एयर और वाटर मध्ये ये रिलेशनशिप अछि, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15.2 टाइम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये जिन सब मन रखिबे। एबे देखंतु क्वेश्चन पचारु छी आंकर वेरिएशन उपरे माने को जिन सब देखंतु फ्लूइड माने दुईटा जिन सब, फ्लूइड माने लिक्विड भी हे पारे, फ्लूइड माने गैस भी हे पारे। तो लिक्विड रो भी लिक्विड रो डायनामिक विस्कोसिटी अछि, लिक्विड रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अछि, गैस रो डायनामिक विस्कोसिटी अछि, गैस रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अछि। एबे हम पाखरे दुईटा जिनस अछि, गुटे प्रेशर गुटे टेंपरेचर। ठीक अछि। तो प्रेशर पई ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन के कोन केमिति हेबो डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड रे, टेंपरेचर पई वेरिएशन केमिति हेबो माने ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन केमिति हेबो इन डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एमती गैसेस। तो ये जिनस आमको मन रखियो रो छि एग्जाम रे पचारू छंती ओके। तो देखंतु ये वेरिएशन बतेया पे मु गुटे एठी टेबल गुटे टेबल टाइप रो बनाऊ छी जो कि बहुत इंपोर्टेंट ओके। ये जिनसटा लॉजिक टा मन रखिबे। देखंतु एठी मु नै छी लिक्विड, एठी नै छी गैस। ठीक अछि। टेंपरेचर जो को फर्स्ट वेरिएशन देखिबा, तापर प्रेशर ड्यू टू प्रेशर देखिबा। टेंपरेचर को बढ़ेले कोन हेबो, प्रेशर को बढ़ेले कोन हेबो, का उपरे लिक्विड रो डायनामिक विस्कोसिटी उपरे, लिक्विड रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उपरे, गैस रो डायनामिक विस्कोसिटी उपरे, गैस रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उपरे, एमती अछि। तो देखंतु टेंपरेचर इफेक्ट बुझी चलंतु। टेंपरेचर बढ़ी देले माने गुटे लिक्विड अछि ताकु गरम कर देले से पतला हि जीवो ना, पतला हि जीवो माने तारो कोन विस्कोसिटी टा कम हेबो। देखंतु पेज पेज ओके। तो से जत गरम रहउछि ठीक पतला रहउछि माने विस्कोसिटी कम अछि, बट जेमती 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 से ठंडा हि चालुछि टेंपरेचर कमी चालुछि, ठंडा हेबो बट माने टेंपरेचर कमी चलला से मोटा हि चालुछि, तार थिकनेस बढ़ी चालुछि, ताहिरे विस्कोसिटी बेसी से पै से सते इजीली फ्लो करि परिबनि जते इजीली से गरम रे फ्लो करि पारे थांदा ओके। सो मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी विथ इंक्रीज इन टेंपरेचर डायनामिक विस्कोसिटी इज डिक्रीजिंग, से पै रेजिस्टेंस टू मोशन कम। ठीक। जदि डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कौन रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी भी डिक्रीज होगी ओके। आउ टेम्परेचर जमी डिक्रीज हे से थिकनेस बढ़ डेंसिटी बढ़ो, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी डिक्रीज होती। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बोथ डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, बट गैसेस केस रे उल्टा ही जाउछि, डायनामिक विस्कोसिटी भी बढ़ी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ी गैसेस रो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ओके। देखंतु विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर जदि आम चेक करवा, तो मुझे गोटे जिनस बतई थी कि प्रेशर
जो माने लिक्विड आपन जनरली इनकम्प्रेसिबल आमे कंसीडर करूचु तो डेंसिटी ये सब विस्कोसिटी ये सब ड्यू टू प्रेशर किसी चेंज हे नहीं। तो लिक्विड रो देखंतु ड्यू टू इनक्रीज इन प्रेशर लिक्विड रो डायनामिक विस्कोसिटी रे किसी चेंज हे नहीं, काइनामेटिक विस्कोसिटी रे किसी चेंज हे नहीं, गैसेस रो डायनामिक विस्कोसिटी रे किसी चेंज हे नहीं, बट काइनामेटिक विस्कोसिटी रे टिके चेंज आपको माने देखा मिलेगा। ओके ड्यू टू इनक्रीज इन प्रेशर तो मेन चेंज मेन जिनस कौन टेम्परेचर उपर आका पूरा पूरा वेरिएशन डिपेंडेंट। ओके लिक्विड पाई दुईटा जाक डिक्रीज हे, गैसेस रो दुईटा जाक इनक्रीज हे, आउ ड्यू टू इनक्रीज इन प्रेशर खाली गैस रो काइनामेटिक विस्कोसिटी टा इनक्रीज हे आउ किछ नै। आ भितरे बहुत थ्योरी थ्योरी सब जिनस अछि सेटा पासे रे जानतु से जिनस हमकु सेते देखिवार नै, जेंति मु लिक्विड रो लॉजिक टा एक्सप्लेन करिल सेंति सब लॉजिक तार बहुत डेरिवेशन गुडा कछि से सब हमकु किछ बुझिवार नै। ये जिनसटा ये डेटाटा मन रखिथिबे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपन को पचारि पारे कि टेम्परेचर बढ़े दिलु प्रेशर कमे दिलु एटा एटा तो लिक्विड रो एटा केमती सेटा केमती किछि भी भूलि गरी क्वेश्चन पचारि पारंती। ओके एबे देखंतु गुटे कैलकुलेशन आसे ड्रैग फोर्स। ओके देखंतु मु जो आपन को वेलोसिटी प्रोफाइल बतैथिली ठीक अछि, वेलोसिटी प्रोफाइल बतैथिली कोन एमती भावंतु कि गुटे प्लेट अछि, लेट्स सपोज ए प्लेट अछि, प्लेट कोठे कोआइ छि एमती गोटे फ्लो आसूला गोटे माने गोटे फ्लो आसूला। ओके माने नदी बही चली आसूला, लेट सपोज ये वी वेलोसिटी रो आरो जो मोशन थिला सब फ्लूड पार्टिकल रो गोटे वी वेलोसिटी रो फ्लो ही आसूला, तो गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थिला सब लेयर रो। ओके जत्ते भी आप लेयर ऑफ फ्लूड एटी देखुचंती सब गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करी फ्लो माने आसूले वी वेलोसिटी रो फ्लो ही आसूले, बट जमती ही ये प्लेट उपरे पहुँचिले फ्लोटा प्लेट उपरे पहुँचला तो आप और वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज ही चलना एमती ये टाइप किसी। ओके ये टाइप किसी चेंज ही चलना वेलोसिटी प्रोफाइल टा तापरे धीरे माने कौन पा बोले से विस्कोसिटी इफेक्ट आइबो। ओके सब टू फर्स्ट तो नो स्लिप कंडीशन तापरे धीरे धीरे विस्कोसिटी इफेक्ट और जमती जमती आप ऊपर को जीवे विस्कोसिटी इफेक्ट तो सरबो तापरे जो ओरिजिनल फ्लो वेलोसिटी अछि से ओरिजिनल फ्लो वेलोसिटी अटेन करूथला। ओके से ओरिजिनल फ्लो वेलोसिटी ये आउथरे अटेन करियो माने एठी वेलोसिटी चेंज हे चालछि ना, ओरिजिनल जो वेलोसिटी वी वेलोसिटी रो फ्लो हे आसुला ता टू कम वेलोसिटी धीरे 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 तापर से लास्ट रे ओरिजिनल वेलोसिटी वी को अचीव करूथला। तो जो शियर स्ट्रेस अछि शियर फोर्स मैक्सिमम कोठी लागुछि तो मैक्सिमम लागिबा शियर फोर्स एट सरफेस। ओके हियर टाउ इज मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अब ये मैक्स शियर स्ट्रेस वैल्यू आम कमी काढ़ टाउ इक्वल टू म्यू डीयू अपन डी वाई आम पाखे ये फर्मूला अच्छे। तो ये जो भी फ्लूड अच्छी तार म्यू वैल्यू दिया दिखाई डायनामिक विस्कोसिटी तो तापर आम बस कैलकुलेट कर देखु एटी आपन को ये टॉप रो वेलोसिटी दिया दिखाई ऊपर लेयर रो वेलोसिटी दिया दिखाई तल लेयर रो वेलोसिटी दिया दिखाई आम आउ से गैप दिया दिखाई कि से गैपटा होती तो dy जना पड़ जीवो। ओके du जना पड़ जीवो मल्टीप्लाई कर देवा कहीं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी रु तो ये जो शियर स्ट्रेस अछि ये वैल्यूटा हमको जना पड़ जीवो सरफेस रे शियर स्ट्रेस केते अछि बुझी पारु संती। ओके दिस टाइप ओके बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमें ये फोर्स टा ये जो टाउ लागू छे आकु हमें शियर स्ट्रेस भी कहि परिवा शियर स्ट्रेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन रे पचारिबे ताकु आकु हमें ड्रैग फोर्स भी कहिबा। ओके ड्रैग ड्रैग फोर्स ओके ड्रैग फोर्स केते काढंतु बोली कहिबे तो ये फॉर्मूला यूज करी हमको काढिवार अछि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसुछि मु आ ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करबी सेतबेड आपण बुझि पारिबे। ओके सो विथ दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास हाउ यू आपण को केमती लागले ये क्लास कहिबे। ओके से हिसाब रे कंटिन्यू करिवा पढंतु जेतकी जिनस मु बतेबी कम से कम सेतकी बुझि चालंतु एग्जाम पई 100% हेल्पफुल हेबो। ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ। वेल जदि ड्रैग फोर्स काढ़ ना तो एटी गोटे जिनस मत मन पड़ा ड्रैग फोर्स देखो ये सरफेस उपरे केते शियर स्ट्रेस अच्छी टाउ एट सरफेस इटा काढ़ी नवा स्पीड रे लिखिबा पई टाउ एट सरफेस केते अच्छी इटा में फर्स्ट काढ़ तो टाउ एट सरफेस काढ़ला परे से सरफेस रो एरिया टाकु मल्टीप्लाई कर दबा ना तापर ना फोर्स बाहर तो इनटू एरिया सरफेस एरिया इनटू सरफेस एरिया इटा मल्टीप्लाई करिवा
ତାହେଲେ ନା ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟନ କିଲୋ ନ୍ୟୁଟନ ଯାହା ହଉ ଇଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବାହାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଗ୍ ଫୋର୍ସ। ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଲାଗୁଥିବ, ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ତ ଇଏ ଫୋର୍ସଟା ଲାଗୁଥିବ ପଛକୁ, ସେ ଫ୍ଲୋକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାର ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ। ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଲଗେଇ ଚାଲୁଥିବ, ଡ୍ରାଗ୍ ଫୋର୍ସ। କ୍ଲିୟର? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।